लग चुका है। अब बांधेगी कब्बू कलाई में कलावा रक्षा सूत्र, इसकी लंबी उम्र के लिए। ये हो गई है भाई की पूजा और इसकी इसके थोड़ा खील नीचे से पैरों से लगा दे ऊपर को। यहाँ पे बन गई है खीर। तो दोस्तों ये बन गई है मेरी चाय। कब्बू के हाथों में ना मेहंदी भी लगती है, सुंदर हाथों में लगा दी है मेहंदी। और ये ना कुछ थोड़ी बहुत लगा के गए भैया लोग, और कुछ जो होगा ना कल सुबह होगी इसकी पूरी तैयारी, सुबह अच्छे से दिखाएंगे और कल को आपको दिखाया जाएगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्यार नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया है। आप सभी को भाई दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयां। आज ही के दिन यमुना ने अपने भाई यमराज की पूजा की थी और दिवाली के पांचवें दिन भाई दूज मनाया जाता है और हमारे वहां टीका मनाया जाता है। आज के दिन चूड़ों से चावलों के बनाए जाते हैं चूड़े, उनसे भाई की सिर पूजन होती है। हमारा तो भाई दूज में मतलब चूड़े नहीं होते हैं, चूड़े जिसके होते हैं वही बनाते हैं, सारे लोग चूड़े नहीं बनाते हैं। क्योंकि मायके में होते तो लड़की के ससुराल उसको दिया जाता है। ये त्योहार बांटा जाता है जिसके भी चूड़े नहीं होते हैं। और आज ही के दिन भाई की सिर की पूजा होती है। यमुना ने अपने भाई यमराज की पूजा की थी, उनका तिलक किया था, उनकी लंबी उम्र की कामना की थी। तो हम भी भाई दूज की तैयारी हो गई है और मेरी बेटी अपने भाई का तिलक करेगी, तो आप सभी को दिखाते हैं। हम तो सिर्फ नॉर्मल तिलक ही करेंगे और आरती करेंगे उसकी लंबी उम्र की कामना करने के लिए। मेरी बेटी उनकी पूजा करेगी अपने भाई की, तो आप सभी लोगों को दिखाते हैं, आप लोग मेरे साथ बने रहना। दोनों भाई बहन की तैयारी हो गई है और कब्बू करेगी अपनी भैया की आज पूजा, और दिया भी जला दिया है कब्बू ने। सबसे पहले तो भाई को टीका लगा। अक्षत लगा। लग चुका है। अब बांधेगी कब्बू कलाई में कलावा रक्षा सूत्र, इसकी लंबी उम्र के लिए। बांधे और ये बांध दिया है यहाँ पे कलावा। और ये कर दी है, उठ जा थोड़ा, उठ के कर ले। और ये हो गई है भाई की पूजा और इसकी इसके थोड़ा खील नीचे से पैरों से लगा दे ऊपर को। और ये चढ़ा दिए इसने खील, दो बार लगा। हिमांशु को पता है कैसे लगाते हैं, हिमांशु की पूजा ने की थी। कल मेरे को दोबारा से झाड़ लगाना क्यों, कल तक ऐसे रहेगा, अभी नहीं लगाना पड़ेगा, मुझे साफ नहीं करना पड़ेगा। अब मैं सोच रही हूं छोटा सा पी ले। ओए ये दांत में चिपकती है, घर की बनाई हुई है। ओए सब बोल, प्योर खोया की, काजू की, काजू कतरी बना रही है तेरे लिए। तो दोस्तों भाई दूज की पूजा भी हो गई है और इधर ना मेरी खीर बन रही है, खीर अभी पकी नहीं थी, यहाँ पे बन रही है खीर। और ये खीर ना मैंने लाल चावलों की बना रखी है। हमारे वहाँ लाल चावल पहले से ना लाल चावल बहुत अच्छे होते थे, लाल चावल ही बोते थे, और आजकल ब्राउन राइस के नाम से आता है और बहुत ही महंगे मिल रहे हैं आजकल। यहाँ भी हल्द्वानी में 90 रुपए किलो मिल रहे हैं लाल चावल, और घरों में हम पूछते नहीं थे पहले से इनको, गाँव में होते थे हमारे वहाँ लाल धान। लाल धानों का भात तो बहुत अच्छा होता है और यही लाल धानों की आज मैंने खीर बनाई है ब्राउन राइस की।
किचन भी मेरा ना अस्त व्यस्त हो रखा है आज ही कुछ ऐसा। और अभी मैंने खिल बतासे प्रसादी देनी है दिवाली की, वो भी ऐसी है। तो दोस्तों ये मेरी खीर भी रेडी हो चुकी है और अब करते हैं खीर का ही नाश्ता, क्योंकि आजकल ना दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं और कब सुबह नाश्ता करो और कब लंच करो। तो नाश्ते में आज हम खीर खा रहे हैं और उसके बाद दाल चावल बनाया जाएगा। तो आप लोग भी आइए और खीर का आनंद लीजिए, बहुत ही टेस्टी हो रही है, बिल्कुल ब्राउन राइस की खीर। और हमारे पहाड़ियों के लाल धान की जो खीर बनती है ना, बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप लोग भी लाल धान की खीर का आनंद लीजिए और इन्जॉय कीजिए हमारे ब्लॉग को। तो दोस्तों आप लोग भी खाइए और खीर का आनंद लीजिए। तो हम करते हैं नाश्ता। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैंने दाल भी चढ़ा दी है और तब तक करते हैं नाश्ता। यहाँ पे ना खीर और पूरी खा रहे हैं हम लोग, अभी हो रहा है सुबह का नाश्ता, उसके बाद बनेगी दाल चावल। ये है मेरी खीर। तो दोस्तों शाम के ना 3:30 हो गए हैं और मैं आई थी छत में और यहाँ ना कपड़े उठाने आ रखी हूँ मैं। और आजकल ना दिन इतने छोटे हो गए हैं ना, पता ही नहीं चल रहा कि कब सुबह हो रही है और कब शाम हो रही है। और धूप भी बिल्कुल हल्की हल्की धुंध धुंध सी बनी हुई है, क्योंकि इतने सारे पटाखे फूटे हैं ना तो पॉल्यूशन तो होना ही होना है। काफ़ी हल्की हल्की सी धूप आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ना शाम हो गई हो जैसे। तो आप सभी लोगों के साथ ना मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी शेयर करने जा रही हूँ अपने लाइफ की। पता नहीं समय इतनी जल्दी कब बदल जाता है, पता ही नहीं चलता है ना, कब बच्चे इतने छोटे छोटे होते हैं, कब इतने बड़े हो जाते हैं। तो मैं क्या खुशखबरी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, कुछ लोगों को तो पता ही होगा और जो लोगों को पता नहीं है ना वो लोग भी देख लेंगे ब्लॉग देख के, उनको भी पता चल जाएगा। तो आप मुझे भर भर के बधाइयाँ दे सकते हैं और कमेंट में लिख सकते हैं। तो कमेंट में आप मुझे भर भर के बधाइयाँ दे सकते हैं। तो अभी ना चलते हैं नीचे को और मैं बनाती हूँ चाय, शाम का टाइम हो गया है और उसके बाद हमारा आज का जो भी होगा ना कार्यक्रम, तो मैं चलती हूँ नीचे को और बनाती हूँ चाय। तो आप लोग भी आइए चाय पीने। तो चलते हैं नीचे। तो चलते हैं नीचे को और फटाफट बनाते हैं चाय, तो आप लोग को मिलते हैं फिर। तो दोस्तों ये बन गई है मेरी चाय। शाम की चाय भी हो गई है और यहाँ ना कल की तैयारियाँ भी होने लग गई हैं और यहाँ पे ना टेंट लगने की तैयारी हो गई है। तो दोस्तों शाम के बज गए हैं 5 और हम जा रहे हैं ना कॉलोनी में निमंत्रण देने के लिए। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ना अपनी मेहंदी दिखाती हूँ। आज मैंने फर्स्ट बार इतनी ज्यादा मेहंदी लगाई है, अपनी शादी में तो नहीं लगाई, अब लगा रही हूँ मैं सासू माँ बनने पे तभी तो लगती है। हाँ अब मैंने लगाई है मेहंदी। तो आप लोगों को ना हम सारे जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे सारी चीजें दिखाएंगे आपको, आप लोग बने रहना हमारे साथ। तो चलते हैं हम कॉलोनी में निमंत्रण देके आते हैं और क्या क्या हमारे सरप्राइज है आपके लिए, आप लोग देखना और हमारे साथ बने रहना। बाय 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 बाय। दिया आ गई है और मैं और दिया जाते हैं कॉलोनी में खिले बतासे दे के आते हैं और पार्टी का निमंत्रण भी देके आते हैं और आप लोग भी आइए। बिल्कुल। तो शाम के ना 7 बजने वाले हैं और हमारे यहाँ पे ना टेंट हाउस भी लग चुका है और भैया लोग ना अभी रात हो गई है और लगा रहे हैं अभी भी। और यहाँ इस साइड को भी लगा दिया है, इस साइड का तो हो गया है थोड़ी बहुत और इस साइड को भी टेंट हाउस का भैया लोग लगा रहे हैं। तो दोस्तों कब्बू ने ना हाथों में मेहंदी भी लगा दी है, वो मार्केट से लगा के लाई है और बैक साइड दिखा और इतनी सुंदर सुंदर सी मेहंदी लगी है इसके हाथों में, तो बहुत ही सुंदर लग रही है। वाओ मैंने ऊपर को देख और ये कब्बू की सुंदर सुंदर हाथों में लगा दी है मेहंदी और इतनी बड़ी कब हो गई कब्बू पता ही नहीं चला। दोस्तों शाम के बज गए हैं 8:30 और मेरी रोटी बनाने की तैयारी हो गई है और आज ना चिकन बन रहा है। हमारे वहाँ जब टीका होता है तो टीके के दिन नॉनवेज बनता है, मैं तो नॉनवेज नहीं खाती हूँ, तो मैं अपने लिए ना रायता बना रही हूँ बूंदी का, उसी के साथ खाऊंगी क्योंकि मेरा मन बूंदी का रायता खाने को ही हो रखा है। और इसमें बन रहा है चिकन
क्योंकि हमारे ना दो मेहमान भी आ चुके हैं, मेरे दो देवर, और उनके लिए बन रहा है स्पेशल आज डिनर में चिकन। दोस्तों रात के 9:30 हो गए हैं और हमारे घर में मेहमान आ चुके हैं, आधे मेहमानों ने खा लिया है, आधे मेहमान बैठे हैं अंदर। ये हैं हमारे मेहमान, और दिल्ली वाले दोनों देवर जी पहुंच गए हैं और इनको हमने खाना खिला पिला के सुला दिया। आप तुम रेस्ट करो, रात को पूछ रहे हैं मेहमान। मेहमान पहुंच ही रात को रहे, फिर तुम दिन में तो वहां पहुंचे। ये रात को पूछ रहे मेहमान आए हैं, अरे वो हम उल्टे है कि वो हम यहां ऐसे पहले की ना सही होगा, तुम बढ़िया करो मां। हम मान दे रहे ना खुशी में आ रहे हैं ये मेहमान। देखो तो कोशिन बताओ तो कोसा तुम खुशी हो, ये बताओ तो तुम कोसा। ये हमारे घर के मेहमान हैं, कुछ मेहमान अभी खा रहे हैं। ये हमारे डेली वाले मेहमान हैं, इनके लिए हमने स्पेशल खाना बनाया है आज। अच्छा हो रहा है रे, मस्त ना। मस्त डिनर ना। न्याय पसंद किले। तो शाम की डेकोरेशन भी जो शाम को है ना वो इतनी हो गई है हमारे आज की। अभी रात हो गई है, रात के 10 बज गए हैं। मैं बाहर आई थी अभी, मैंने कहा थोड़ी बहुत ना वीडियो बना लेते हैं यहाँ से और आप लोगों को भी दिखा देते हैं। और ये ना कुछ थोड़ी बहुत लगा के गए भैया लोग, और कुछ जो होगा ना कल सुबह होगी इसकी पूरी तैयारी, सुबह अच्छे से दिखाएंगे और कल को आपको दिखाया जाएगा। कुछ इधर को भी लगा है टेंट और कुछ इधर को, तो चलते हैं सीधे अंदर को। गेट भी बंद कर देती हूँ। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है ना उसको यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय देवभूमि, जय भारत और जय उत्तराखंड।